आदाब, नेसो पैराटाइनसिस्ट एक छोटा इंट्रोडक्शन है तो तुम ना ये क्या कर को समझा। नेसो को तो नाक, पैलेटाइन को तो मुंह खोलते ही ऊपर दिखता सो बोन का नाम इच पैलेटाइन बोन। ये पैलेटाइन बोन जो है लेफ्ट में एक राइट में एक रंगा, वो डेवलप्ड होलो को आते ही लेफ्ट में भी राइट में ऐसे बोन बीच में आपको जम जाएगा। तो मुंह खोलते एक सिंगल बोन को सिका छमना दिसंगा, एक्चुअली दो बोन। ये कब जमगा? वो आदमी नॉर्मल आदमी 18 इयर्स होते ही जमता। सिस्ट को तो तुमने सिंपल को समझाना का तो एक बैलून में पानी डाल को रखे तो कैसा रंगा वो सिस्ट। पर नेसो पैलेटाइन सिस्ट को तो नाक का भी पैलेटाइन बोन का भी बीच में सिस्ट फॉर्मेशन। तो डेवलपमेंट में इसका दो का बीच में एक छोटा डक्ट के सिकांगा लंबा गेम, उसका सबसे नीचे सिस्ट फॉर्म होगा। ये नाक बोलते सो ये मैक्सिला, ये दो मैक्सिला, ये भी मैक्सिला, ये दो भी जमते से जगह पैलेटाइन जमते से जगह इसका बीच में चे ये सिस्ट तुमने फॉर्म होता सो। अब यूजुअली एक 18-20 इयर्स के बाद ये पेशेंट प्रसन्न, कब तभी 30 इयर्स का टाइम में प्रसन्न होगा, 30-40 एज कम। तब ये पेशेंट का कंप्लेन क्या रहेगा? शुरुआत में क्या कंप्लेन भी नहीं रहेगा कि तो सिस्ट बहुत छोटा। वो सिस्ट कहां शुरू होता सो को मैं बता देता हूं, ये पिक्चर देखे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा। ये इंसर्सर टीथ बोलेंगे इसे, ये दो का सामने है उसका जस्ट पिक्चर है, यहां रहेगा सिस्ट। तो शुरुआत में ये सिस्ट छोटा रहेगा, उसके बाद बड़ा होना होना ये इंसिसर टीथ का पीछे दांत का पीछे एक सूजन आना, ऐसा छोड़ डाला तो वो बड़ा बड़ा होको ये इंसिसर टीथ का सामने भी आ जाएगा। वो टाइम में भी ट्रीटमेंट उठाया नहीं गया तो वो सूरत का तरफ स्प्रेड होगा, लिप्स पूरा बाहर ढकले जाएगा, सूरत का चेहरा का शेप ही बदल जाएगा। मैं एक दो फोटो बताता हूं तब तुम्हें मालूम होगा ये कैसे रंगा। तब ये फोटो में, नेक्स्ट फोटो में तुम्हें इंसिसर टीथ का पीछे ऐसा सूजन दिखेगा। अब नेक्स्ट फोटो में इंसिसर टीथ का सामने ऐसा सूजन दिखेगा। अब ये इसका वीडियो, वीडियो में सामने हैसो भी अंदर हैसो भी सूजन दिखता। ये पेशेंट बहुत लेट होगा मर आया, एक दो तीन साल के बाद उसे जरा पैसा का प्रॉब्लम था सो लेट होकर आया। उन्हें आए तक ये दो जगह भी सूजन है, सूरत में भी सूजन आपको सूरत का शेप ही बदल को था उसका। अब इसका डायग्नोसिस होना, डायग्नोसिस हमें सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन में मैं दो सीटी स्कैन डाले हूं, ये आपको पेशेंट का नेसो पैलेटाइन सिस्ट का सीटी स्कैन भी, ये नॉर्मल सीटी स्कैन भी तुमने समझ में आया उसका। ये देखो कितना बड़ा सिस्ट है, देखो ये नॉर्मल सीटी स्कैन में देखे तो कंपेयर करे तो तुम्हें डिफरेंस मालूम है। अब ये सीटी स्कैन दूसरा एक व्यू उठाते ही फिर भी मैं दो डाल लिया हूं, एक नॉर्मल भी एक सिस्ट है सो सीटी स्कैन, इसका तुम्हें डिफरेंस देख सकते हम ना, डायग्नोसिस भी होगा। ये ऑपरेशन करे तो निकालना होगा, मेडिसिन में इसे मेडिसिन देखो हटाना होगा, दवा देखो हटाना होगा। तब ये मेडिकल टर्म्स में एन्यूक्लिएशन ऑफ द सिस्ट को बोलते हैं। तो ये पेशेंट को ऑपरेशन के एक दो स्टेप्स बताता हूं। बहुत बड़ा होकर ऐसा रहने से हमें ये लिप्स का पिक्चर से गए सब लेबेल बोलेंगे। तो फर्स्ट पिक्चर ये लिप्स का पिक्चर हमें चीर को निकाल को हल्लू ओपन करते सो। सेकेंड पिक्चर अच्छा फुल ओपन करको वो सिस्ट देखे सिखा, ये सिस्ट राइट साइड में ज्यादा था, दो साइड था राइट में ज्यादा था, अच्छा खोल को फुल चार तरफ से उसे लूज करको निकाले। निकाले बाद है सो पिक्चर ही चाहिए कितना बड़ा होल होको है तो कितना बड़ा सिस्ट रह रहा। ये फुल निकाल को कैसा खोले कि वैसा आज बंद करको स्टिच डाला ले। ये करको अब तकरीबन दो साल का गरीब होता, पेशेंट नॉर्मल है, बहुत एक दो बार रिव्यू को भी आपको चला गया। अपने बाहर बस्ती में काम कर रखा है, इंडिया में नहीं हूं, कब वेकेशन को आता कि तब आपको मिलता, एक कंप्लेन भी नहीं। अब ये जो है नेसो पैलेटाइन सिस्ट जो है
उसका सिस्ट निकाले बाद हमें बायोप्सी को भेजे, वो सिस्ट निकलते ही एक बैलून में हवा भरसे का निकलना, निकाल को रखते ही लास्ट में वो फुड़गा, तो उसका सिस्ट वॉल जो है वो हमें बायोप्सी को भेजते ही नेसो पैलेटाइन सिस्ट वॉल करके आया, वो पोजिशन सब भी रखो देखो उसका डायग्नोसिस मिल गया। अब ये नेसो पैलेटाइन सिस्ट बोलते सो एक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, 20-30 साल का बाद 40 साल रखो वो टाइम में प्रसन्न होता सो, शुरुआत में कंप्लेन नहीं रहेगा, उसका बाद सूजन आंगा, ये दांत का पीछे भी सामने भी आंगा, फिर कभी भूत बढ़गा तो सूरत में भी उसका इफेक्ट आने का चांस है, सीटी स्कैन को कंफर्म करना, वो सिस्ट कंप्लीट निकालना, ये उसका ट्रीटमेंट। आदाब।